आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मिले पाकिस्तानी झंडे के मामले में अब नया खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि पाकिस्तान का ये झंडा लगभग 1000 किलोमीटर दूर लाहौर से उड़कर उत्तरकाशी पहुंचा है। जी हां, उत्तरकाशी पुलिस का तो यही तर्क है कि पाकिस्तानी झंडा गुब्बारों के साथ बंधा था और साथ में लाहौर बार एसोसिएशन का बैनर भी लगा था। गुब्बारों के साथ पाकिस्तानी झंडा और लाहौर बार एसोसिएशन का बैनर मिलने से हड़कंप मच गया। मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा था, लिहाजा खुफिया विभाग के कान खड़े हो गए और इस मामले में तत्काल इंटेलिजेंस ब्यूरो, अभिसूचना इकाई और स्थानीय पुलिस से रिपोर्ट तलब की गई। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को सीमांत जनपद उत्तरकाशी के तुलियाड़ा गांव में झाड़ियों में पाकिस्तान के झंडे और लाहौर बार एसोसिएशन के बैनर के साथ एक मोटी रस्सी से बंधे 100 से अधिक गुब्बारे बरामद हुए थे। उत्तरकाशी के पहाड़ों में आखिर पाकिस्तान का झंडा कैसे पहुंचा, ये बड़ा सवाल था जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता था। अब इस मामले में खुलासा हुआ है कि ये झंडा लाहौर से गुब्बारों के साथ उड़कर यहां तक पहुंचा। २९/१२/२०२२ को की अपराह्न में जनपद उत्तरकाशी की चिन्याली सौड़ के राजस पुलिस क्षेत्र अंतर्गत एक गांव आता है तो तुलियाड़ा, वहाँ पे उससे 700 मीटर ऊपर कुछ लोगों ने वहाँ पे कुछ संदिग्ध वस्तु देखी, चमकदार वस्तु देखी। जब वहाँ जाके पता किया तो वहाँ पे कुछ 150-200 गुब्बारे और एक पाकिस्तानी झंडा और एक बैनर जिसपे लाहौर बार एसोसिएशन लिखा था ये वहाँ पे मिला। तुरंत पुलिस ने उस पूरे जो भी सामग्री थी उसको अपने कब्जे में लिया और चूंकि ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ था तो इसके बाद जो है स्थानीय पुलिस ने अपने स्तर से भी इसकी जांच की और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं आईबी और जो अलग अन्य एजेंसियां उनको भी इस पे सूचना दी गई। चूंकि ये गुब्बारे और झंडे बंधे हुए थे तो प्रथम दृष्टया यही संभावना प्रतीत हुई कि ये जो झंडा है ये कहीं से बाहर से उड़ के आया है। उसके बाद से जो भी है जाँच की जा रही थी और इसके बाद जो है 2 तारीख को इसमें यही पता चला कि एक उमर अफजल नाम से एक व्यक्ति है जिसने सोशल मीडिया में ऐसा पोस्ट किया, अपनी फेसबुक आईडी से पोस्ट किया कि लाहौर बार एसोसिएशन के द्वारा एक क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसकी उसने संबंधित वीडियो और फोटो भी अपलोड की गई। उक्त फोटो व वीडियो में हरे व सफेद रंग के गुब्बारों के झुंड से बांधकर एक पाकिस्तानी झंडा, उर्दू लिखा हुआ एक लाल रंग का कपड़ा का बैनर एवं हरे रंग के कपड़े पर लाहौर बार एसोसिएशन लिखा हुआ एक बैनर उड़ाया जा रहा है। जो कि ये जो पूरी ये सामग्री जो इसने सोशल मीडिया पे डाली ये हूबहू सामग्री जो है यही उत्तरकाशी में जो तुलियाड़ा गांव में पाई गई है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि ये जो सामग्री जो तुलियाड़ा गांव में मिली ये वहीं से उड़ के आई थी और ये जो है ऊपर भी एजेंसियों से बात की तो उन्होंने ये बताया कि पश्चिमी विक्षोभ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जिसको कहते हैं जो दिसंबर में हिमालय के ऊपर चलता है उसकी सहायता लेके इस तरह की सामग्री जो है तो लाहौर से आ सकती है। तो अब यही इससे प्रतीत होता है कि ये जो झंडा और ये गुब्बारे जो मिले हैं ये पाकिस्तान से आए हुए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इन दिनों पाकिस्तान के लाहौर में बार एसोसिएशन के चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में गुब्बारे उत्तरकाशी के दुर्गम क्षेत्र में पहुंचने की चर्चा चल रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस अभी लगातार जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।